हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ काजू राइस, जो बनाने में बहुत ही आसान है। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, इसे आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बासमती चावल, जिसे मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगोया था। बारीक कटी हुई 2 बड़ी प्याज मैंने डीप फ्राई किया है। आधा बाउल पुदीना, 3 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून शाहजीरा, 25 ग्राम काजू जिसे मैंने रोस्ट किया है, 2 टेबलस्पून नमक। साबित खड़े मसालों में मैंने लिया है दालचीनी, चक्रफूल, 4 लौंग, 4 इलायची। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी लिया है। पानी थोड़ा ज्यादा रखें क्योंकि चावल निथारना है। पानी गर्म होने के बाद साबित मसाले, शाहजीरा, नमक, पुदीना डाल ले। पानी उबल रहा है, चावल को इसमें डाल ले। हाई फ्लेम पर चावल को 90% पकाना है। आप देख सकते हैं चावल ऑलमोस्ट पक गया है, इसमें से पानी निथार दे। चावल पर घी डाल लें और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे। 5 मिनट हो गए हैं, चावल तैयार है, डिश आउट कर लें। अब चावल पर फ्राई की हुई प्याज और काजू डाल लें। हमारा काजू राइस रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।